नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। इस वक्त हम मधेपुरा जिला के उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय के बीरीनपाल पंचायत में एक कार्यक्रम चल रही है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, जिसकी देखरेख बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत लगातार गरीब बच्चों को गंभीर से गंभीर बीमारी को लेकर लगातार अभियान चल रही है और जाँच में कौन बच्चा अगर बीमार है तो उन्हें इलाज फ्री में किया जाता है। क्या है इस मामले को लेकर इस वक्त हम बीरीनपाल पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 120 पे हैं, जहां पे डॉक्टर की टीम है और बच्चे की लगातार जांच कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर बच्चा में उन जो जांच कर रहे हैं क्या क्या चीज़ का जाँच कर रहे हैं और क्या क्या उनको अभी तक इस केंद्र पर कौन से बीमारी का बच्चा मिला है। इस वक्त आप दिख रहे होंगे कि हमारे साथ डॉक्टर की टीम है। डॉक्टर की टीम केंद्र संख्या 120 पे है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। ये किस तहत के तहत आप लोग इस जगह पे बच्चे सबकी जांच कर रहे हैं? ये एक भारत सरकार का प्रोग्राम है जिसके तहत हम लोग काम करते हैं, जिसका बोलते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। एक प्रोग्राम होता है 0 से 18 ईयर्स तक के बच्चे का प्रोग्राम किया जाता है। स्कूल और आंगनबाड़ी पर जा करके बच्चों को जांच किया जाता है और जो गंभीर रोग से ग्रसित बच्चे मिलते हैं उसको भारत सरकार के थ्रू या बिहार सरकार के थ्रू उसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। अभी जो आप यहां पहुंचे हैं, आपके द्वारा जांच किया गया, क्या ऐसा कोई बच्चा मिला है आपको? हाँ, एक बच्चे मिले हैं। ये हैं बच्चे, ये कंजनेटल हार्ट डिजीज से ये बच्चे डिफेक्ट बच्चे लग रहे हैं और इनको हम जांच के लिए स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हम रेफर करते हैं इसको और DH रेफर करेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल में। वहाँ इनका प्रॉपरली जांच होगा और उसके बाद वहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है वो वहाँ के डॉक्टर बताएंगे। अच्छा, इनको जो आप भेजेंगे जांच वगैरह में क्या पैसा भी इन लोगों को लगेगा क्या? नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ वो जो सरकारी खर्च टिकट का जो चार्ज होता है, मतलब टिकट कटाना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है वहाँ पे, तो वो रजिस्ट्रेशन का चार्ज इनको जो 5 रुपये या 10 रुपये लगता है वो लगाना पड़ेगा। कैसे कैसे बीमारी बच्चे को आप लोग रेफर करते हैं और कहाँ भेजते हैं इलाज के लिए? देखिए, इसके तहत इस कार्यक्रम के तहत 4D, मतलब 4D हम लोग को चाइल्ड को मतलब देखना पड़ता है। 4D में एक आता है हम लोग के हिसाब से जन्म के समय दोष, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं या क्लैप लिप या क्लैप प्लेट या फिर हार्ट से ग्रसित बच्चे इस तरह के या न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट बच्चे, ये सारे मिलते हैं इसमें। एक कमियां मिलता है जिसमें एनीमिया, आपका विटामिन डी, विटामिन ए या सेम का बच्चा, कुपोषित अति कुपोषित बच्चा, और एक बीमारियां के तहत कुछ डिजीज आते हैं जैसे स्किन डिजीज, ओटाइटिस मीडिया मतलब जिसका कान बहता है, या फिर बार बार रिएक्टिव एयरवे डिजीज जिसको हार्ट मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसको आप लोग गांव में दमा या अस्थमा बोलते हैं, ऐसे भी बच्चे बहुत सारे पाए जाते हैं, या डेंटल डिफेक्ट, तो ये कमियाँ के थ्रू। और डेवलपमेंट डिलेड होता है, मतलब डेवलपमेंट डिलेड का मतलब ये कहिए कि ये 6 साल का बच्चा है, हम तो इसको 4 साल या 5 साल का बच्चा जो भी आंगनबाड़ी में है उसका ब्रेन कितना डेवलप किया है इस चीज़ को हम लोग को भी देखना पड़ता है। मान लीजिए कोई कोई बच्चा देखिएगा बहुत कमज़ोर होता है, दिमाग से बहुत कमज़ोर होता है, उसको पढ़ा रहे हैं मगर वो पढ़ नहीं पाता है, तो कोई कोई बच्चा को पढ़ाइएगा तुरंत कैच कर लेता है, तो वो डेवलपमेंट डिलेड के तहत आता है। बहुत सारा डिजीज जैसे मोटर डिलेड या न्यूरो मोटर आता है या कम सुनाई पड़ता है, तो ये सब चीज़ को लर्निंग डिसऑर्डर होता है बच्चे में, तो ये सब चीज़ को हम लोग खोज करके इसको हम लोग रेफर करते हैं, जहाँ इसका संस्थान है वहाँ पर रेफर करते हैं, जैसे DEIC डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हमारे ज़िला में है, मगर प्रॉपरली वर्क शायद नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली वर्किंग में नहीं है, मगर और PSC या DH या सेम में वाले बच्चे को NRC यहाँ हम लोग रेफर करते हैं, फिर वहाँ से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और बच्चे स्वस्थ होकर घर आते हैं। DIC का सेल बना हुआ है जस्ट? हाँ, सेल बना हुआ DIC का अपने मधेपुरा, मगर प्रॉपरली वर्किंग नहीं है। क्या नाम बताए थे आप? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर दीपक कुमार थे जो बता रहे थे बच्चे की जो सरकार के तहत जो कार्यक्रम चल रही है उसमें अगर कोई बच्चे ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त पाए जाते हैं तो उन्हें रेफर कर मुफ्त में इलाज करवाया जाता है। मैं प्रिंस कुमार मिट्टू उदा किशुनगंज से, धन्यवाद।